खबर ऋषिकेश से है, जहां पत्रकार योगेश डिमरी पर हुए हमले को लेकर पौड़ी में युवा पत्रकार संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से सोमवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान युवा पत्रकार संगठन ने बताया कि पीड़ित पत्रकार शराब माफियाओं के खिलाफ खबरें दिखा रहे थे, जिसके चलते उन पर हमला हुआ है। वहीं उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस हमले के आरोपियों और शराब माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मौजूदा युवा पत्रकार प्रदीप नेगी ने बताया कि जिस तरीके से पत्रकार पर हमला हुआ है, उसमें पुलिस की मिलीभगत नजर आ रही है। साथ ही युवा पत्रकार संगठन का कहना है कि इस मामले के दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ वह उग्र आंदोलन करेंगे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हमने जिला अधिकारी के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें जो हमारे पत्रकार साथी है योगेश डिमरी पर जो जानलेवा हमला किया गया है, उसमें हमने कठोर कार्रवाई की मांग की है। और जिस तरीके से पूरे ऋषिकेश में उन्होंने शराब के खिलाफ मुहिम चलाई हुई थी, तो कहीं कहीं ना वो शराब माफियाओं और पुलिस की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इसी के तहत शराब माफियाओं ने मैसेज दिया है उनके साथ मारपीट करके कि अगर आप हमारे खिलाफ खबरें चलाओगे तो हम इसी तरीके से तुम लोगों के साथ मारपीट करेंगे। तो आज हम इस संबंध में जिलाधिकारी से मिले थे और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और पूरा पत्रकार संघ जो पौड़ी का है, युवा पत्रकार संघ है, उन्होंने पूरे घटना की घोर निंदा की है। यदि समय से तत्काल न्याय नहीं मिलता है तो समस्त पत्रकार फिर इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। इस संबंध में एक पत्रकार के साथ में जो मारपीट हुई है सम्मानित पत्रकार के साथ में, तो उसी संबंध में एक ज्ञापन और उसमें रोष प्रकट किया जा रहा है मीडिया के बंधुओं के द्वारा, तो उसे महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए प्रेषित किया जाना है, तो उस पर अग्रेतर जो कार्रवाई होनी है की जाए।